वर्ल्ड कप 2019 में एक बार फिर से मिस्टर 360 यानी कि एवी डिविलियर्स वापसी करने को तैयार है, जो कि साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलने को तैयार है, लेकिन रखी है बड़ी शर्त। दोस्तों, एवी डिविलियर्स की रिटायरमेंट यानी कि संन्यास के बाद हर कोई क्रिकेट प्रेमी यही चाह रहा है कि कैसे भी करके एवी डिविलियर्स एक बार फिर से इंटरनेशनल में खेलते हुए दिखाई दें, अपने संन्यास को वापस लें और साउथ अफ्रीका की तरफ से एक बार फिर से इंटरनेशनल में खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन अभी भी एवी डिविलियर्स अपने इस फैसले पर अटल है। हालांकि इसी बीच में एवी डिविलियर्स जो कि ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में गए थे, जहां उन्होंने कहा था अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर शर्त रखी थी, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड मुझसे कहता है वर्ल्ड कप 2019 में खेलने को लेकर, तो ऐसे में मैं तैयार हूं एक बार फिर से वर्ल्ड कप में खेलने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो इसके बाद आगे कहा, अगर महेंद्र सिंह धोनी 2023 में खेलते हुए दिखाई देंगे तो ऐसे में मैं यानी कि एवी डिविलियर्स वापसी को तैयार हूं। दरअसल कुछ दिन पहले ही साउथ अफ्रीका के पूरे दिग्गज खिलाड़ी एवी डिविलियर्स गौरव कपूर के शो जो कि ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में गए थे, जहां गौरव कपूर ने बीच में ही मजाक के अंदाज में पूछा कि आप 2019 वर्ल्ड कप तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप क्या 2023 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं? कि आप 2023 वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो यहां पर साउथ अफ्रीका पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले हंसने लगे। तो मैं इसके बाद कहा कि अगर महेंद्र सिंह धोनी 2023 में खेलेंगे तो ऐसे में मैं भी तैयार हूं एक बार फिर से वापसी करने के लिए, जो कि उन्होंने आगे कहा कि अगर धोनी 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो ऐसे में मैं भी खेलूंगा। 2023 में मेरी उम्र 39 साल की होगी, उस समय मैं वापसी कर सकता हूं। और आगे एवी डिविलियर्स अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने संन्यास की सही कारण बताया। आगे उन्होंने कहा कि मैं 2019 वर्ल्ड कप खेलना चाहता था लेकिन संन्यास लिया क्योंकि वह मेरे लिए काफ़ी संवेदनशील परिस्थिति थी। मेरे कैरियर के अंतिम 3 साल ऐसे रहे जब मैं खुद तय करता था कि कब मुझे खेलना है और कब नहीं, इसलिए साउथ अफ्रीका में इस बात को लेकर मेरी काफ़ी आलोचना भी होने लगी थी, जिसके चलते मुझे आखिरकार संन्यास लेना पड़ा था। आपको बता दूं कि एवी डिविलियर्स ने 23 मई 2018 को अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी और इनके संन्यास के तुरंत बाद ही करोड़ों क्रिकेट प्रेमी का दिल टूट गया था और इनकी वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गुजारिशें की जा रही थी और अब भी काफी जोरों शोर से चल रहा है एवी डिविलियर्स के वापसी आने के ऊपर। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें।